स्ट्रेस टेस्टिंग के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। थर्ड पार्ट है जहां पे हम कोटक डीएसपी एचएसबीसी स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे और इनकी स्ट्रेस टेस्टिंग कैसे चल रही है, ठीक है, और इसमें क्या रिजल्ट आए हैं। देखो, स्ट्रेस टेस्टिंग में ना दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हमने पहले दो पार्ट में मिस करी थी। वो ये कि भाई कितने दिन में पैसा निकल जाएगा हमारा। स्ट्रेस टेस्ट का इन एंड रिजल्ट यही होता है, ठीक है। अब कितने दिन में पैसा निकल जाएगा उसके लिए कैलकुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लिक्विडेट नंबर आया था ना हमारे पास 10 या 15, वो नंबर हम ये देखेंगे कि उसका एवीएम कितना है, उसके पास क्वालिटी क्या है फंड्स की, ठीक है। और जब ये सब चीज़ें चेक हो जाती हैं तो एक नंबर आता है कि इसका पैसा इतने दिन में निकल जाता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं और बहुत सारे लोग आपके साथ पैसा निकालते हैं तो कोटक में, डीएसपी में, एचएसबीसी में क्या चीज़ें होंगी जो हमें चेक करनी पड़ेंगी। समझ आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे। देखो, एचएसबीसी में अगर आप पैसा निकाल लें 50% लिक्विडेशन करने के लिए इसको 15 दिन लग जाएंगे, 25% के लिए इसको 7.5 दिन लगेंगे, जो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा है। मतलब सिंपल सी बात है, पैसा बहुत आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। और जहाँ पे हम लार्ज कैप का एक्सपोज़र देखें तो लार्ज कैप का एक्सपोज़र बेशक छोटा है और यहाँ पे सिर्फ 5, जो मैं बोलूँ कि सिर्फ 5 नंबर आता है। 5 नंबर कैसे, 2.5% लार्ज कैप में और 2.5% ही लगभग कैश और कैश इक्विवेलेंट के आसपास आता है, जिस वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। और एवीएम कितना है, 13,000 करोड़ है। तो उस हिसाब से जो ये लिक्विडेट नंबर है बहुत ठीक आया है कि ये 15 दिन में पैसे निकाल के हमें दे सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोटक स्मॉल कैप की। कोटक स्मॉल कैप कितने दिन में हमें पैसा निकाल के दे सकता है, ये दे देगा हमें 33 दिन में पैसा अगर 50% निकालते हैं, और 17 दिन में दे देगा अगर 25% निकालते हैं। तो अब देखो, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सिप पे, लमसम पे भी और सिप पे भी 2,00,000 रुपये, वाइल सिप आर अलाउड टू 25,000 पर मंथ, 25,000 रुपये से ऊपर की SIP नहीं हो सकती और 2,00,000 रुपये से ऊपर का लमसम नहीं हो सकता इस फंड के अंदर, ठीक है। मेरे हिसाब से इस कैटेगरी से अगर आप 25,000 रुपये पर मंथ की बात कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टर जिसकी 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये SIP है, वो ज़रूर इससे इफ़ेक्ट होगा, उसके अलावा कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला। और 2 लाख रुपये का लमसम भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला, तो अच्छा खासा इनफ्लो इसमें भी आता रहेगा। तो कोटक स्मॉल कैप में अगर पैसा निकलता है तो ये लगा लो आप 17 दिन लगने वाले हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं डीएसपी स्मॉल कैप की। डीएसपी स्मॉल कैप को 16 दिन लगेंगे अपना 25% पोर्टफोलियो निकालने में। इसको 17 दिन लग रहे थे, इसको 16 दिन लग रहे हैं, और एक महीने से ज़्यादा लग जाएगा अगर 50% लोग इसमें से पैसा निकाल लेते हैं। तो अब ये कितना ज़्यादा चीज़ ठीक है कि कितने लोग निकाल लेंगे, या क्या ये 50% लोग निकाल सकते हैं पैसा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अब डीएसपी की बात करें तो डीएसपी के पोर्टफोलियो में 0% लार्ज कैप है, लेकिन कैश टू कैश इक्विवेलेंट 5-6% है। जहाँ तक ये नंबर देखने को मिल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि इतनी आसानी से पैसा निकाल देंगे, जबकि कोटक के पास लार्ज कैप में 6% इधर और ये इधर 4.5, तो कोटक फिर भी ठीक लग रहा है। कोटक का एम बहुत बड़ा है, जिस हिसाब से वो 17 दिन में पैसे निकाल रहा है 25%, और इसको 25% निकालने में 16 दिन लग रहे हैं क्योंकि इसका लिक्विडेट हिसाब किताब ख़राब है, जबकि कोटक के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर आप कंफ्यूज हो गए कि यार मेरा पैसा कितना सिक्योर है कितना सिक्योर नहीं है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे घटिया जो स्ट्रेस टेस्टिंग है ना, जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, चौथा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि SBI स्मॉल कैप में अगर आप पैसा निकालने जाते हैं और ज़्यादा लोग पैसा निकालते हैं तो 60 दिन लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, स्ट्रेस टेस्टिंग एक्सट्रीम कंडीशन में होती है कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन, क्योंकि बहुत ओवर वैल्यूएशन हो गए हैं और अब ये गिरेंगे तो आपका पोर्टफोलियो, जिन लोगों ने पूरा पूरा स्मॉल कैप का बना रखा है ना, वाइप आउट होना ही होना है, ठीक है। मुझे तो सच में, मैंने आज से पहले, बहुत पहले एक बंदे को समझाया था, ठीक है, हो गए शायद 8-10 महीने हो गए, तो मैंने उनको समझाया था, मैंने उनको ये बोला था कि ब्रदर आपका ना पोर्टफोलियो पूरा का पूरा स्मॉल कैप से भरा हुआ है, इसको पोर्टफोलियो नहीं बोलते, प्रॉपर एसेट एलोकेशन नहीं है ये, आप इसको प्लीज़ डाइवर्सीफाई कीजिए, ठीक है। उसे लगा कि मैं अपनी सर्विसेज बेचने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसे ये भी लास्ट में, बिल्कुल लास्ट कॉल में मैंने इसको ये बोला, मैंने कहा जब ये गिरेगा ना आपका प्रॉफिट पूरा वाइप आउट कर देगा, तो प्लीज़ इसको आप देख लीजिएगा, बेशक आप सर्विसेज मत लीजिए, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको पोर्टफोलियो बना के नहीं दे रहा, मैं आपको कुछ भी नहीं दे रहा फ्री के अंदर, लेकिन हाँ मैं आपको एटलीस्ट एक एडवाइस दे रहा हूँ कि ये पोर्टफोलियो ठीक नहीं है, ठीक है, बाकी आपकी आगे मर्जी है। और आज के टाइम मैंने उनका पोर्टफोलियो जो रखा हुआ है ना टेस्टिंग के लिए, मैं आपको आगे आने वाले टाइम में दिखाऊंगा ज़रूर, और आप रिटर्न कंपेयर कीजिएगा, स्मॉल कैप का पूरा एक पोर्टफोलियो दिखाऊंगा,
और उसमें पोर्टफोलियो में क्या बचा होगा उसकी बात करेंगे, जबकि उसको एक डेढ़ साल अब मतलब 8 महीने हो गए। महीने बाद अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप ये मान लो कि मैं हर 3 महीने में बना दूंगा वीडियो, 1.5 साल बाद 2 साल बाद 4 साल बाद भी चेक कर लेंगे, क्योंकि जितना अब पोर्टफोलियो गिर गया होगा ना ओवर वैल्यूएशन की तरफ वजह से, रिकवर करना और मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, पोर्टफोलियो में से 1 रुपया भी मत निकालो। पहली बात तो इतनी स्ट्रेस टेस्टिंग जो इन्होंने करी है, 25% लोग कहीं नहीं निकालने वाले, 25% लोग बाय चांस निकाल लेते हैं तो भी 10-15-20 दिन में आपका पैसा आ जाएगा। और आप अगर नहीं निकाल रहे हैं अपना पैसा और वो स्ट्रेस वाला टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर बाद में तो आपका पैसा वही 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आप तो वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो ना, अगर आपको लगता है कि यार कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो हम शिफ्ट करें भी। जैसे अब निपोन ने लास्ट क्वार्टर में माइनस रिजल्ट दिया, ये निपोन ने अंडर परफॉर्म नहीं किया, ये सारे के सारे स्मॉल कैप गिर रहे हैं यार बुरी बुरी तरह से, और बाकी तो 4-4%, 3-3%, 2-2% गिर गए। निपोन तो सिर्फ 0.5% गिरा है, तो उसने तो परफॉर्म ही किया ना, उसका कैटेगरी एवरेज तो फिर भी उससे ऊपर ही है। यानी कि कैटेगरी एवरेज अगर 1% गिर रहा है और ये 0.5% गिर रहा है तो मैं तो यही बोलूँगा कि निपोन ने अच्छा किया, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब नॉर्मल हो जाए कि आपका फंड ही परफॉर्म नहीं कर रहा, पैसा निकालना है, तब ये न्यूज़ देख के, इन चीज़ों को देख के प्लीज़ अपना पैसा ना निकालें। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और कुछ भी खरीदे या बेचें तो जो आपके लिए अच्छा है वो कीजिए, और ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।